हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का जो कमेंट है, भाई ने व्हाट्सएप पे ही पूछा था इसमें भी कि उड़ने वाले कबूतर को दाना किस टाइम देना चाहिए या दिन में कितनी बार देना चाहिए। ठीक है भाई, तो आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं, वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो भाइयों देखिए, जैसे कि भाई ने पूछा है कि उड़ने वाले कबूतर को दिन में दाना क्या बार दे सकते हैं। ठीक है, आज इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। और इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो डाली हुई है कि उड़ने वाले कबूतर को दाना कितनी बार देना चाहिए या किस टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने पहले भी बताई हुई हैं। मगर फिर भी चलो, जो भाई हमारे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं, वो भाई कमेंट कर रहे हैं, तो चलो मैं फिर भी उनके लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। एक भाई, उड़ने वाले कबूतर के लिए देखिए, आप जैसे कि मान लो आपके कबूतर फिरतों में, भाई एक तो ऐसा होता कबूतर उड़ने वाले हैं लेकिन अभी उड़ाने का टाइम नहीं है कि रोक रखे हैं। ठीक है, तो उस टाइम तो कभी भी दे सकते हो दाना। लेकिन जब आपके कबूतर फिरतों में चल रहे हों, यानी कि फड़कों में चल रहे हों, और उस टाइम दाना किस टाइम देना है या कितनी बार दे सकते हैं दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जब आपके कबूतर फड़कों में चल रहे हों तो कबूतर को आप दाना देखिए, सुबह में भी दे दो, दोपहर में दे दो, कभी भी दे दो। लेकिन ये ध्यान रखना, 3 से 4 बजे से पहले पहले दे के फ्री कर दो, उसके बाद कोई दाना नहीं देना। 3-4 बजे लास्ट कर देना है, चुगा के बंद कर दिया करो। सुबह में चाहे आप कितना दाना दे रहे हो, ठीक है। अब जिस दिन आपके कबूतर उड़ रहे हैं उस दिन कैसे करना है, उस दिन भाई आपका जो कबूतर उड़ के आया है उसके आप संभाल उमाल जो भी कर रहे हो, संभाल करके और तरीके से थोड़ा बहुत दे दा के, फिर उसके बाद दाना उसे दे के बंद कर सकते हो। क्योंकि मान लो आज जो उड़ के आया है आपका कबूतर 3 बजे 4 बजे बैठा माशाल्लाह, तो आप उसे 5-6 बजे भी दाना दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले दिन वो उड़ेगा नहीं, आपका बंद वाला दिन है। ठीक है, और जिस दिन उड़ाना होता है बंद वाले दिन दाना, जो भाई 3-4 बजे से पहले पहले दे के बंद कर दिया करो, ताकि अगले दिन जब कबूतर उड़े तो एकदम फ्रेश हो, कबूतर कोई लोड ना हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ही दाना देने की कोशिश करें। और मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई हुई है, बाकी डिटेल बारीकी से आपको लेनी है तो वहाँ देख सकते हो कि भाई कब कैसे क्यों कितना सब बताया मैंने इसमें। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी वीडियो थी, भाई ने ये भी व्हाट्सएप पे पूछा था, तो मैंने चलो सोचा सभी भाइयों के लिए हो जाए। ठीक है भाई, तो ये पर्सनली वीडियो है कि उड़ने वाले कबूतर को दाना कितनी बार दे सकते हैं दिन में। भाई कबूतर को दाना मैंने वही चीज़ बताई, आप सुबह में दोपहर में कभी भी दे लो, कबूतर जितना चुगेगा इतना हेल्थी रहेगा, हेल्थी रहेगा तो अच्छी उड़ान देगा। बशर्ते 3-4 बजे लास्ट करना है, उसके बाद कोई दाना वाना नहीं देना है उसे। यहाँ तक कि आपके लॉफ्ट में अगर मिट्टी वगैरह पड़ी हो तो वो भी चीज़ आपको निकाल के बाहर कर देनी है मेरे हिसाब से। उसके बाद 3-4 बजे के बाद कोई दाना नहीं देना है आपको अपने कबूतर को। ठीक है भाई, तो भाई मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि हर किसी भाई की समस्या का समाधान हो जाए इसमें। ठीक है भाई, और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।